हे गाइस, आई एम सत्यम फ्रॉम द टेकी फ्रेंड्स एंड दिस इज पार्ट 6 ऑफ जावा ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम जावा के पाथ को सेट करना सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि जावा के सेटअप को किस तरीके से डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उस लिंक को फॉलो करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जावा का पाथ होता है उसे आप दो तरीके से सेट कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो टेम्परेरी मेथड है और जो सेकंड मेथड है वो परमानेंटली मेथड है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टेम्परेरी मेथड करके दिखाऊंगा, और उसके लिए मैं आपको वहाँ जाना है जहाँ पे आपका जावा का जो सेटअप है वो इंस्टॉल है। तो मैं पहले सबसे पहले इस यहाँ पे अपने उस लोकेशन पे जाता हूँ। अगर आपने 32 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपका जो जावा का जो फोल्डर मिलेगा वो इस फोल्डर में मिलेगा, यानी प्रोग्राम फाइल /86 में। और यहाँ पे मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो 64 बिट का है, तो जो मेरा जावा का फोल्डर है वो इस फोल्डर के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जावा लिखा हुआ है, इस पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे आपको जावा के अंदर दो फोल्डर मिलेंगे, पहला जो है वो JDK है, देन दूसरा जो है वो JRE। आपको JDK फोल्डर के अंदर जाना है, उस पर क्लिक करना है, देन उसके बाद सबसे ऊपर जो बिन फोल्डर है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब हमें जो जावा का कंपाइलर है और ये जो जावा सी है, इसका पाथ हमें अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करना है। तो हम यहाँ पे परमानेंटली मेथड को अभी बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको टेम्परेरी मेथड करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो ऊपर लोकेशन है इसको आप पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लीजिए। देन उसके बाद मैं CMD ओपन करता हूँ। CMD ओपन करने के लिए मैं डायरेक्ट विंडोज़ की के साथ R प्रेस करता हूँ, देन उसके बाद CMD, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इस पाथ को सेट करने के लिए लिखना है पाथ, देन उसके बाद इक्वल्स टू, और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना है, देन उसके बाद एंटर। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो जावा का पाथ है यानी जो कंपाइलर का पाथ है वो सेट हो चुका है एक टेम्परेरी तरीके से। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो सिंपल पाथ यहाँ पे टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे उस जो जावा का जो पाथ है आप यहाँ पे देख रहे हैं, JDK 1.8 जो है उसका पाथ कंपाइलर का यहाँ पे सेट हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए कि आपने एक प्रोग्राम को आपको रन कराना है, यानी आपने एक प्रोग्राम बनाया उसे कंपाइल करा के आपको उसे रन कराना है, तो आप यहाँ पे गए, उसके बाद आपने इस पाथ को सेट किया, उसके बाद प्रोग्राम को रन कराया, देन उसके बाद जब भी आप अपना CMD बंद करेंगे यहाँ से, जब भी आप इसे क्लोज करेंगे, तो ये जो पाथ है ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। यानी अगर आप दोबारा फिर से आएंगे अपने किसी दूसरे प्रोग्राम को रन कराने के लिए तो आपको फिर से यही प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, इसे मैं क्लोज करता हूँ, जब उसके बाद मैं फिर से CMD ओपन करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आपको पाथ लिख के दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको जावा का पाथ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने जो आपका कंपाइलर है उसके पाथ को आप परमानेंटली तरीके से सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे पहले क्लोज कर देता हूँ। आपको क्या करना है कि यहाँ तक फिर से वही प्रोसेस करना है, इसे यहाँ से कॉपी करना है, देन उसके बाद आपको कंप्यूटर के आइकन पर जाना है, उस पर राइट क्लिक करना है, और अगर आपके कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस पॉज ब्रेक अगर कि आप एक साथ प्रेस करते हैं तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट खुला हुआ मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग पे आपको जाना है, इस पर क्लिक कीजिए। देन उसके बाद एक जो बॉक्स खुलेगा उसके अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे लास्ट में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको ये पहला बॉक्स दिख रहा है और एक यहाँ पे एक दूसरा बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो सिस्टम के सारे पाथ हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पाथ लिखा हुआ है, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा ओपन होके आ गया है। यहाँ पे आपके सिस्टम के जितने भी पाथ हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको लास्ट टाइम जब सिमली बंद करके ओपन करके जब मैंने पाथ वहाँ पर टाइप किया था तो आपने देखा था कि बहुत सारे पाथ थे लेकिन वहाँ पर जावा का पाथ नहीं था, तो ये भी ये जो आपके सिस्टम के पाथ हैं वो सारे के सारे यहाँ पर सेट हैं। आप यहाँ पे भी अपने जावा के पाथ को सेट कर सकते हैं, सबसे स्टार्ट में या फिर सबसे लास्ट में जाके यहाँ पे
आप इसे पेस्ट करके सेव कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप अपने पाथ को सेट मत कीजिए, क्योंकि अगर गलती से कुछ भी चीज़ डिलीट हो गई यहाँ से, एक भी स्पेलिंग वगैरह यहाँ से डिलीट हो गई, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। और जो पहला वाला बॉक्स है इस पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। देन जो फर्स्ट नेम है यानी वेरिएबल नेम, यहाँ पर आप लिख दीजिए पाथ। देन उसके बाद जो सेकेंड वेरिएबल वैल्यू है, यहाँ पर हमने जो चीज़ अभी कॉपी किया था बिन फोल्डर के अंदर से, उसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद सिंपल ओके कर दीजिए। देन यहाँ पे फिर से ओके और मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं अब आपको CMD ओपन करके दिखाता हूँ कि जो हमारा जावा का पाथ है कंपाइलर का, वो सेट हो चुका है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाथ और फिर मैं एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे लास्ट में प्रोग्राम फाइल्स /java/JDK 1.8 जो कि परमानेंटली तरीके से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। फ्रेंड्स ये था जावा के कंपाइलर के पाथ को सेट करने के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक जावा का छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और उसको समझेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले ट्यूटोरियल्स के बारे में अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।